हेलो एवरीवन, तो आज मैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या क्या ज़रूरी है लिविंग होने के लिए, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा। सेकेंड वीडियो में आपने देखा न्यूट्रिशन के बारे में, ख़ास तौर के आपने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ा, जो बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर के देख सकते हैं। आज मैं थर्ड लेक्चर लेकर के आया हूँ और आज हम लोग जानेंगे किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल मतलब जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो पिछले क्लास में आपने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ा, फोटोसिंथेसिस देखा, आपने देखा फोटोसिंथेसिस के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। तो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल में, लीफ के मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे, किचन ऑफ द सेल। किचन क्यों, क्योंकि यहाँ भोजन बनता है, फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ग्लूकोज बनता है मतलब स्टार्च बनता है, जो कि एनसीईआरटी बुक में कार्बोहाइड्रेट लिखा है ग्लूकोज को। कोई बात नहीं, चलेगा, दौड़ेगा। तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे, किचन ऑफ द सेल। एक बात याद रख लें, क्लास 9th में एक चैप्टर था सेल, उसमें प्लास्टिड्स पढ़ाया गया था। तो 3 टाइप के प्लास्टिड्स आप पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट, जिसमें से हम लोग को आज क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है, जो किचन ऑफ द सेल है। चलिए तब इसका हम डायग्राम बताएंगे क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम कैसा होगा, आइए ज़रा हम लोग यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं। अगर आप पेन पेंसिल साथ में रखे हैं तो मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा, मज़ा आएगा, बहुत कंसेप्चुअल है। आइए शुरू करते हैं। यहाँ ज़रा देखिएगा क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, मतलब क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और बड़ा करके बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए, अब देखिए दो मेम्ब्रेन होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल, क्लास 9 में पढ़े थे और हम लोग पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि इसको किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब देखिए, यस, ये बना। अब होता है क्या, इस क्लोरोप्लास्ट में ये वाला जो लेयर आप देख रहे हैं, ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन। ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन। ये क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन है और ये जो आप देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का बेस है, इसको स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा। ये क्लोरोप्लास्ट का क्या कहलाता है, बेस। जैसे ज़मीन होता है ना, ज़मीन बेस, जैसे ये बेस है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का मतलब क्या हुआ, स्ट्रोमा का मतलब हो गया बेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब होता है क्या, अब ज़रा इस चीज़ को हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग थैलाकोइड्स कहते हैं। ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, थैलाकोइड्स कहेंगे। और थैलाकोइड्स से जो एक पिलर बना, उसको हम लोग ग्रैनम कहते हैं। तो ये जो मैं क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, थैलाकोइड्स। और आपको पता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है ना, क्लोरोफिल, वो इसी थैलाकोइड्स पर होता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होता है वो इसी थैलाकोइड्स पर होता है। चलो ये बन करके मेरा तैयार हो गया। अब ज़रा समझते हैं चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरीके से। देखिए होता है क्या कि एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। मैं सबके बारे में आपको बताऊँगा, मज़ा आने वाला है हम लोग को। ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है, जैसे क्लास 9 में पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी डबल मेम्ब्रेन,
न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है, तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल होता है। होता है क्या कि क्लोरोप्लास्ट में ये जो पूरा आप पिलर देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ग्रैनम। इस पूरे पिलर को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग ग्रैनम। एंड ग्रैनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में इसी ग्रैनम पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। ग्रैनम क्या है आपको, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है ना वो ग्रैनम पर होता है। वजह क्या है, क्योंकि ग्रैनम छोटे छोटे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर से बनता है जिसको हम लोग थैलाकोइड कहते हैं, और थैलाकोइड में ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। तो चूंकि क्लोरोफिल थैलाकोइड पे होते हैं और थैलाकोइड क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर मिलकर के ये ग्रैनम बनाया है, इसलिए ग्रैनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। समझ में आया ना, तो ग्रैनम जो है ना वो साइट है किसका, लाइट रिएक्शन का। ग्रैनम पर ही लाइट रिएक्शन होता है, जबकि स्ट्रोमा की बात करें तो यहाँ आपको डार्क रिएक्शन होगा। अब ज़रा देखो इस बात को समझते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना ये पूरा पिलर ग्रैनम है, जबकि एक क्वाइन को क्या कहेंगे, थैलाकोइड। तो इसमें से जो एक क्वाइन है ना इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस एक क्वाइन को कहेंगे हम लोग थैलाकोइड। एक क्वाइन को क्या कहेंगे, थैलाकोइड। और पिलर को क्या कहेंगे, ग्रैनम। जैसे एक ब्रिक है, ईंटा, ईंट, थैलाकोइड, और उससे पूरा पिलर बन गया, वो क्या बन गया, ग्रैनम। एक थैलाकोइड, थैलाकोइड, थैलाकोइड करते 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 ये पूरा बन गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ग्रैनम। आया मेरा बात समझ में। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, थैलाकोइड। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, थैलाकोइड। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, थैलाकोइड। तो ये जो क्वाइन है ना ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए थैलाकोइड है, थैलाकोइड। थैलाकोइड पे ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलाकोइड पर। और ये जो पूरा पिलर बना, इस पूरे पिलर को हम क्या कहेंगे, इस पूरे पिलर को हम लोग कहेंगे ग्रैनम। तो थैलाकोइड इज द यूनिट ऑफ ग्रैनम। ग्रैनम किससे बना है, बहुत सारे थैलाकोइड से। तो थैलाकोइड का क्या काम है, ये किसको कंटेन करेगा, तो ये कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, थैलाकोइड पर होता है। समझ में आया ना, अब बहुत सारा थैलाकोइड मिलके क्या करता है, तो बहुत सारा थैलाकोइड मिलकर के ग्रैनम बनाता है। अब बेस ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा, स्ट्रोमा किसका साइट है, तो ये आपको साइट ऑफ डार्क रिएक्शन है। स्ट्रोमा पर क्या होता है, बोलिए, डार्क रिएक्शन होता है। समझ में आया ना, तो स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। ग्रैनम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। और आपको पता है लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन ये दोनों मिलके क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस। अब जरा देखिएगा, दो ग्रैनम को आपस में कौन जोड़ रहा है, तो इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमेलाई। चलिए उतना डीप में आपको नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा कि दो ग्रैनम को आपस में कौन जोड़ता है, स्ट्रोमा लेमेलाई दो ग्रैनम को आपस में जोड़ता है, ग्रैनम ऑफ द थैलाकोइड को। स्ट्रोमा लेमेलाई कनेक्ट थैलाकोइड्स ऑफ टू ग्रैनम, दो ग्रैनम के थैलाकोइड्स को कनेक्ट करता है स्ट्रोमा लेमेलाई। तो मोटा मोटी तौर पे क्लोरोप्लास्ट में क्या मिला, दो मेम्ब्रेन मिला, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जो कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल स्ट्रक्चर है। मैंने क्लोरोप्लास्ट को काट के आपको दिखाया है। क्लोरोप्लास्ट के बेस को क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। जैसे ही देखिए क्लोरोप्लास्ट के, जैसे ये बेस है ना, तो बेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट को क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं थैलाकोइड। इसी थैलाकोइड में ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, और ढेर सारा थैलाकोइड मिल मिल के पिलर बनाता है जिसको क्या कहते हैं, ग्रैनम। तो ग्रैनम किसका साइट है, लाइट रिएक्शन का। स्ट्रोमा किसका साइट है, डार्क रिएक्शन का। यही है किचन ऑफ द सेल। समझ में आया ना, क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट इज द किचन ऑफ द सेल। अब एक बात मैं आपको बता दूं, क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है मीजोफिल सेल में। समझ में आया ना, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, मीजोफिल सेल में। आई थिंक इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होगी, आज के लिए रहने देते हैं, अगले क्लास में मैं आपसे मिलूंगा। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, चूँकि मैंने आज आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ाया है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप इसको नोट कर लीजिए।